इस टाइम हम बात करेंगे तो अपने मधुबन विलेज का पूरा फुल वीडियो दिखाएंगे कटघरा तक। अगर इस वीडियो के एंड तक अगर देखिएगा तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और पूरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चलते हैं, आज पूरी वीडियो मधुबन विलेज की हम आपको दिखाएंगे और काफ़ी दिनों के बाद दिखाने जा रहे हैं। तो जो भाई फेसबुक पेज से देख रहा है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जो यूट्यूब चैनल एक एक कमरान असना ब्लॉग से देख रहा है उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर हम। और इस टाइम अगर बात करेंगे तो साइकिल की मदद से हम जा रहे हैं अपने मधुबन विलेज को पूरा कवर करने के लिए। ये देख सकते हैं, और रात के समय में अगर बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखता होगा अपना मधुबन विलेज। तो चलते हैं, देखते हैं, आगे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बारिश हुई है रात में, फिर भी उतना ही गर्दा उड़ रहा है, देख सकते हैं। और जो मधुबन विलेज से हैं उन भाई से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल ए के असना ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं, पूरी मार्केट की शेयर करते हैं इस वीडियो में। मधुबन विलेज से लेकर कटघरा शंकर तक की वीडियो एक ही वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे। तो वीडियो के आगे तक बने रहिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और काफ़ी दिनों के बाद हम दिखाने जा रहे हैं अपने मधुबन विलेज को। और टाइमिंग की बात करेंगे तो 12 बजने को है करीब, ये देख सकते हैं। और सीधा आपको दिखाते हुए कटघरा शंकर तक हम जाएंगे, और जब काफ़ी रश होता है तो वीडियो बनाना तो क्या, चलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और अभी रोड को अगर देखेंगे तो सिंगल रोड हो गया है और काफ़ी दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और काफ़ी हाईवे रोड इसको बनाया जाएगा, देख सकते हैं। और दोनों साइड से अगर बात करेंगे तो अगर चाहे तो आने जाने का डबल रोड भी बन सकता है, मगर फिलहाल देखें क्या होता है। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके प्यारा सा बताइएगा एक बार जरूर, क्योंकि 2024 में इस तरह की वीडियो अभी किसी ने नहीं दिखाई है, फर्स्ट टाइम में हम दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने काफ़ी दिखाया है, मगर फर्स्ट टाइम 2024 में वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं अपने मधुबन विलेज की। और काफ़ी अच्छा खासा शहर है, समझिए। मार्केट की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी भी मार्केट लगती रहती है। और देखिए, यही दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये एक तरफ से समझिए बस स्टैंड है घोसीमाऊ के लिए, और बेलसरा जाने के लिए दोनों साइड से आपको बसें रेगुलर मिलती रहती हैं, लगी रहती हैं, देख सकते हैं। और जीप और बहुत सारी मतलब सुविधाएं यहाँ पर हैं जो आप इनसे सफ़र आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट के हिसाब से ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। और ये है अपना रोडवेज, देखिए। और देखिए, काफ़ी जब रश हो जाता है तो साइकिल से वीडियो थोड़ा सा बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी जब रश होता है तो ही मज़ा आता है वीडियो बनाने में। ये देखिए किस तरह से पूरा जाम लगा हुआ है, और आगे के साइड में कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा, इसकी वजह से पूरा जाम है रोड।
चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसी वजह से बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। और कमेंट करते रहिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कौन से ज़िले से देख रहे हैं। और मधुबन के जो भाई देख रहे हैं, चाहे विदेशों से देख रहे हैं या मुंबई से देख रहे हैं, मतलब प्रदेश से अगर जहाँ से भी देख रहे हैं, वो भी कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। तो फिर एक बार फिर से हम पूरा अपने मधुबन विलेज को कवर करेंगे और अच्छे तरीके से पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को वीडियो पसंद आए, हम बनाए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद ना आए तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि फेसबुक पेज से अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और चैनल यूट्यूब चैनल से अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा एके असना ब्लॉग, क्योंकि अपने मऊ ज़िला में जितने भी मार्केटें हैं सबकी वीडियो हम डालते रहते हैं और मधुबन विलेज की गिलथरा सब कुछ वीडियो हम अपने चैनल पर ए टू जेड डालते रहते हैं। एक बार चैनल पर विजिट करके जाइएगा और चेक कीजिएगा, आपको नई पुरानी सारी वीडियो मिल जाएंगी हमारे चैनल पर देखने के लिए। 2023 में तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है अपने मधुबन से लेकर खड़गरा शंकर तक। और 2024 में अगर बात करेंगे तो ये वीडियो 2024 में हम फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं और 2024 में कैसा दिखता अपना मधुबन विलेज वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधा हम दिखाते हुए जाएंगे, सीधा फतेहपुर निकल जाएंगे दिखाते हुए। खड़गरा शंकर के बाद फतेहपुर आएगा और उसके बाद मरियादपुर की वीडियो भी हम बनाएंगे, मतलब पूरा मार्केट को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है मगर पूरा कवर करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत नज़ारा है अपने मधुबन विलेज का। और आगे के साइड से आगे के साइड तीन मुहानी है जो सीधे खड़गरा शंकर को लेके जाता है, तो खड़गरा शंकर को भी कवर करेंगे। बने रहिए वीडियो आगे तक। और इस टाइम अगर बात करेंगे तो साइकिल के मदद से ही वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं, तो भाई काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, उसी से चलकर हम आते हैं वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, और जो भाई इस मधुबन विलेज से हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, शाम के टाइम में काफ़ी अच्छी मार्केट आपको देखने के लिए मिलती है। और कमेंट करेंगे तो शाम के टाइम का भी वीडियो पूरा हम आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर एक सब पर जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और मधुबन विलेज में कहाँ कहाँ की आपको वीडियो देखनी है वो कमेंट करके बताइएगा, तो वहाँ की भी वीडियो हम आपको बनाकर ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और चिनमोहानी के पास हम पहुंचने वाले हैं जो
अपना जो सीधा रास्ता संकरा तक कड़करा संकरा तक जाएगा, लिया ये देख सकते हैं। और ये बेलतरा जाने के लिए बसें यहाँ पर लगी हुई हैं। और काफी मार्केट की बात करेंगे तो काफी मस्त मार्केट हमें लगी। और इस मार्केट में शाम के टाइम में काफी चहल पहल रहती है, देखने के लिए मिलती है। तो सीधा चलते हैं आपको कटघरा शंकर लेकर। वीडियो बड़ी होगी मगर मजा आएगा पूरा वीडियो को देखने में। आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। और इस तरह की कोई वीडियो आपको दिखाता भी नहीं होगा। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और कटघरा शंकर चलकर पूरी वीडियो को आपको अच्छे तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे।